डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सीबीएसई वालों के लिए सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं। आपको पता है हम लोग अभी एक्सरसाइज 2.5 जिसका नाम है पॉलिनोमियल चैप्टर, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ रहा है। तो इस पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 वाले एक्सरसाइज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। और इस एक्सरसाइज में हम लोग कहाँ कहाँ से पढ़ रहे थे, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन को देख रहे थे, चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक के डिस्कस किया था, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो सवाल है, इवेलुएट ज्ञात करना है। पहला है 99 का क्यूब, ठीक है। आप दोस्त समझो कि अगर 99 का क्यू है, इसका मतलब 99 × 99 × 99, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा हम लोगों को ये गुना करने में। इसलिए जो इवेलुएट हम लोगों को निकालना है, ये फार्मूले पे तोड़कर निकालना है। यहाँ पे 99 है तो इसको लिख सकते हैं 100 − 1 का क्यूब, ठीक है। ऐसा करने से 100 का क्यूब हमें नजदीक पड़ेगा और हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला किस पे पड़ेगा, तो ये फार्मूला पड़ेगा a − b³ (a³ − b³ − 3ab, a − b), ठीक है। यहां से ए क्यू, तो a का जगह पे कितना है 100 का क्यूब, b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, माइनस 3ab, तो 3 a के जगह पे 100, b के जगह पे 1, ठीक है। फिर ब्रैकेट में a − b, यानी कि 100 − 1। आप देख पा रहे होंगे यहां पे 100 का क्यूब का मतलब 60, ठीक है, और माइनस में कितना 1, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 300 × 100 − 1, ठीक है। तो यहां पे एक पे कितना 0 है, 60 − 1, और 300 × 99, तो कुल मिलाकर इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ऊपर मिटाते हैं, तो हम लोगों को कितना मिल रहा है, यहां मिल रहा है 60 − 1 − 29 = 27, हाथ में 2 × 27 = 2 = 29, इसको इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इतना, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें 60 में से 2970 माइनस करना है, तो जब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना आ रहा है, 9 0, हाथ में 1, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 9 × 10 = 0, हाथ में 1, 9 × 10 = 0, हाथ में 1, 9 × 10 = 1, 1 × 10, यहाँ पे आ रहा है हम लोगों को इतना आंसर लगभग, यानी कि घटाने पे इतना ही आएगा ना। एक बार देख लीजिएगा इसको, घटाकर चेक कर लेना है, चेक कर लेना है सही हो सकता है या फिर गलत। यहाँ पे आप जो है ना घटा लीजिएगा, जो घटाने के बाद आएगा वो हम लोगों को आंसर आएगा, क्योंकि ये माइनस में था, ये माइनस में था, तो इसको हम लोग एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब इस क्वेश्चन में ये था कि जो भी हम लोगों को क्यूब करना है ना, वो फार्मूला से रिलेटेड, फार्मूला पे तोड़कर उसे हम लोग को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन का देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन कितना है, 102 का क्यूब। दूसरा क्वेश्चन में कितना है, 102 का क्यूब। अब इसको हम लोग, ये 102 जो है कितने के आसपास है, तो ये जो 102 है वो 100 के करीब है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 100 + 2 के पावर में कितना, 3। तो अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला चलेगा पता, यहाँ पे हम लोग को फार्मूला चलेगा a + b³। फार्मूला क्या होता है a + b का होल क्यूब,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू में ए प्लस बी, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए का क्यू करेंगे मतलब 100 का क्यू, बी का क्यू फिर वैसे ही प्लस थ्री ए बी, तो थ्री इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 100 प्लस 2, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 100 का क्यू कितना होता है तो 60, ठीक है, और प्लस में 2 का क्यू कितना 1, और यहां से 3 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 3 दुना का 600 और गुना में 102, ठीक है। आप क्या कर लीजिएगा यहाँ पे 1000 एक पर कितना इकाई गाय सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख है, 10 लाख है ना, 10 लाख में 8 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे बच रहेगा कितना, ये 10 लाख 8 प्लस 600 को 102 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 612, कितना हो जाएगा 612 पे 00, और फिर ये दोनों को सबको ऐड कर दीजिएगा तो ऐड कर देने पे कितना आएगा 80216, ठीक है, फिर कितना बनेगा 10, तो ये हम लोगों को टोटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें इसका आंसर यही होगा। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, ये हिंट कर देते हैं हम, दूसरे क्वेश्चन में 998 का क्यूब करना है, तो 998 किसके करीब है भाई, ये 1000 के आसपास है, 998 किसके करीब है 1000 के, तो आप यहाँ इसको तोड़ दीजिएगा 1000 माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, 1000 माइनस 2 का क्यूब कर दीजिएगा तो ये हम लोगों को a माइनस बी के होल क्यूब पे आ जाएगा और फिर हम लोग पुट डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, फैक्टराइज करना है हमें। इस बार क्या बोल रहा है हमें, फैक्टराइज यानी कि इस बार सवाल हमें दिया गया है और हमें फैक्टराइज करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है, पहला सवाल क्या है देखिए, ए नंबर सवाल इसने दिया है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab² आप बताइए हमें कि 8a का क्यूब जो है ये कितना का क्यूब लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग 2a का क्यूब लिख सकते हैं, ये b का क्यूब है यानी कि b क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3ab, तो 3 इंटू 2a इंटू बी, ठीक है, 3ab और ब्रैकेट में कितना a प्लस बी, तो a के जगह पे कितना है 2a, ठीक है, और प्लस बी, तो ये फार्मूला किसका होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब कितना, a के जगह पे हुआ 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये बी कर देंगे यहाँ पे क्यू कर देंगे और ये पावर 3 हुआ, इसका मतलब क्या कि इसी को हम लोग कितने बार लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो यहां हुआ 2a प्लस बी, तो ये हम लोग को इसका फैक्टराइज करके आंसर आ चुका है। यदि फैक्टराइज हम लोग किसके आधार पे करना है तो कहीं ना कहीं हमें फार्मूला पे इसको तोड़ना है, ठीक है, फार्मूला पे इसको तोड़ना है और फार्मूला पे तोड़ने के बाद हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फार्मूला वही है, a प्लस बी का क्यू या फिर a माइनस बी का क्यू पे टूटेगा। तो आठवें में टोटल 5 क्वेश्चन है, दूसरा भी कुछ इसी तरीके से है। खैर हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं और फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पे। तीसरा क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं,
27 माइनस 125 का ए क्यूब माइनस 135 ए माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर 225 ए स्क्वायर ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। 27 को कितना का क्यूब लिख सकते हैं? 3 का क्यूब माइनस 125 ए क्यूब का मतलब क्या हुआ? 5 ए का क्यूब है और माइनस 3 ए बी तो 3 इंटू ए इंटू बी हो गया और ए माइनस बी लिखा जाता है तो ए के जगह पे कितना 3 है ठीक है और माइनस बी तो बी कितना है 5 है। तो जब फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी तो फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ ए के जगह पे 3 है और बी के जगह पे 5 ए है इसका क्या करेंगे हम लोग होल क्यूब। 3 माइनस 5 ए को हम लोग कितनी बार करेंगे 3 बार 3 माइनस 5 ए 3 माइनस 5 ए 3 माइनस 5 ए यानी कि इसी को हम लोग 3 बार लिख देंगे क्यों क्योंकि पावर में कितना है 3 है इसलिए इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन को जैसे किए हैं अब आइए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर माइनस 9/2 पी स्क्वायर फिर बात करें तो +1/4 पी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग इसको फार्मूला पे तोड़ने का प्रयास करेंगे। 27 जो है 27 कितना का क्यूब होता है 3 का तो हम इसको पूरा कितना लिख सकते हैं 3p का क्यूब लिख सकते हैं माइनस 6 का क्यूब होता है 216 का क्यूब होता है 216 तो यहाँ 1/216 है तो इसको लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब और फार्मूला पे माइनस है फिर 3ab तो 3 इंटू ए कितना इंटू बी कितना ब्रैकेट में ए माइनस बी तो ए कितना 3p माइनस 1/6 ठीक है माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी ये हम लोगों को फार्मूला पे आ चुका है। जब ये हम लोगों को फार्मूला पे आ चुका है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फार्मूला कितना होता है 3p माइनस 1/6 का क्यूब ठीक है a माइनस बी का क्यूब तो a माइनस बी का क्यूब का मतलब इसको कितनी बार लिखेंगे 3 बार तो 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 ये हम लोगों को फैक्टराइज 3 बार करते हैं ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और क्वेश्चन बाकी छोड़े भी हुए हैं आप इसको जरूर बनाइएगा जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं इसी तरीके से फार्मूले पर लाकर उसे क्या करना है हमें निकालना है ठीक है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे 9 पे। 9 में हमें बोल रहा है आप वेरीफाई करो क्या करो वेरीफाई करना है हमें। पहला सवाल का जरा देखते हैं क्या बोल रहा है x³ + y³ =
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ये वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे सिंपल वे में हम लोग आरएचएस से चलेंगे। किससे चलेंगे? आरएचएस। और आरएचएस से जब चलेंगे तो आरएचएस में क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले x को लिखते हैं, x को लिख दिया, फिर पूरा का पूरा वही उतार दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर y को उतार दिया, फिर वही का वही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यू बनेगा और यहां प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। यहां पे भी अगर हम लोग करेंगे तो प्लस 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 एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई 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 स्क्वायर प्लस 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 वाई स्क्वायर वाई को मल्टीपल करते हैं वाई क्यू। यहां पे देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, तो कुल मिलाकर सब यहाँ पे कट गया और हमें क्या आ गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो आर एच एस से चलते चलते आ गया बराबर क्या, एल एच एस। आरएचएस से अगर चलते चलते एलएचएस आ गया, इसको हम लोग लिख देंगे वेरीफाइड वेरीफाइड। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ आरएचएस से चलते चलते कहाँ आ गया, एलएचएस। तो ये हम लोगों का वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये हम लोग का वेरीफाइड हो गया। तो नवा का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी हम लोगों को वैसे ही वेरीफाइड करना है। तो उस क्वेश्चन को भी हम आपके लिए छोड़ते हैं क्वेश्चन कि वेरीफाइड आप कीजिएगा। फिर अगर हम लोग आगे आते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमें क्या कह रहा है, उसमें भी हमें फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसमें अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन है। देखते हैं कि 10 नंबर में हमें फैक्टराइज कैसे करना है और उनको हम लोग कैसे करेंगे। तो 10 नंबर में जो क्वेश्चन बोल रहा है, आप बोल रहे हैं इसका फैक्टराइज करो, क्या बोल रहे हैं, 27x³ फिर प्लस yq प्लस zq है ना माइनस 9xyz माइनस 9xyz। सबसे पहले एक फार्मूला के तौर पे हम लोग देखते हैं, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है जरा देखिएगा, फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ एबीसी है ना, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हम लोगों को क्या आ गया, फार्मूला, और इसी फार्मूला पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 27x का क्यूब है तो हम लोगों को इसको लिखना पड़ेगा 33x का क्यूब प्लस y का क्यूब है तो y का क्यूब, z का क्यूब है z का क्यूब माइनस 3
इंटू ए, तो ए के जगह पे 3x, बी बी के जगह पे सिर्फ y इंटू जेड सी, 3abc। तो आपको क्या करना है, जहां जहां ये फॉर्मूला में ए बी सी है उसके जगह पे आपको पुट करना है। तो इसका फैक्टराइज करके क्या आया, तो 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, तो यहां आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो b माइनस सी का होल स्क्वायर मतलब यहां b कितना है, y, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर क्या है, c माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग c माइनस a का होल स्क्वायर मतलब c कितना है, z माइनस 3x का होल स्क्वायर। इतना में भी हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी हम लोगों को क्या है, फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइज हो गया। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर एक अलग फैक्टर है, ये पूरा एक अलग फैक्टर है। या फिर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac भी कर सकते हैं। जैसे इसका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये फार्मूला हो जाता है, तो वहां से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर इतना पे भी छोड़ सकते हैं। तो जैसी इच्छा है आपकी वैसे हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, अच्छा मिस्टेक हुआ, ये 10 नहीं था, ये 11 नंबर आपका क्वेश्चन बन गया, ये 11 था, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं है। हम लोग 10 फिर से चल देते हैं, 10 जो है फिर से चल देते हैं, क्या बोल रहा है 10 नंबर में, क्या बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पे ही था। अभी जो हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला था उसी पे हम लोगों को यहाँ पे फैक्टराइज करना था। तो 10 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 का जो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है 27y³ प्लस 125z³, 27y³ प्लस 125z³, ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 27y का क्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं 3y का क्यू प्लस 125z³ को हम लोग लिख सकते हैं 5z का क्यू, ठीक है। अब ये हम लोगों को फार्मूला पे है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, जरा देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है कितना होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ए के जगह पे कितना है यहाँ पे 3y, तो 3y प्लस 5z हो गया ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी का मतलब 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर 5z स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां देखा जाए तो 3y प्लस 5z ब्रैकेट 3y का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर माइनस 5 × 3 = 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी हम लोगों का ये फैक्टराइजेशन हो गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10वां का सेकेंड में भी सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन यहां फार्मूला कौन सा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि 10वां का दूसरा सवाल जो है उसमें माइनस है, तो माइनस का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, आप उसको लगा लीजिएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ऐसे तो हम लिखवा ही चुके हैं, फिर से लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 10 नंबर क्वेश्चन था, पहला वाला में प्लस वाला फार्मूला यूज करना है और दूसरे वाला माइनस वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो माइनस वाला हम लोग यूज कर लेंगे,
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 11 तक के डिस्कस किया, और एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आज क्वेश्चन नंबर 11 तक के हम लोग को चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे जिसमें हम लोग वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई मतलब LHS और RHS दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।